घंटाघर पर महिलाओं के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे इमरान खान। CAA और NRC के विरोध में चल रहे प्रदर्शन का किया समर्थन। इमरान खान ने मंच पर पहुंचकर महिलाओं को किया संबोधित। यही कहना चाहेंगे कि ये जो लड़ाई है ये किसी एक कौम की लड़ाई नहीं है, किसी एक जात की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सब इसलिए शरीक हैं बिकॉज ये संविधान के खिलाफ जो कानून है उसकी लड़ाई है। हम ये मानते हैं कि ये CAA जो कानून है ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको इक्वल राइट्स देता है। वो कहता है कि उसकी नज़रों में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर है। तो कहाँ ना कहाँ हमें लगता है कि ये चूक हो रही है, तो ये चूक नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे आला वजीर जो हैं वो इस चीज़ को दुरुस्त कर दें। इसीलिए हमारी यहाँ की जो घंटाघर में, लखनऊ के घंटाघर में जो हमारी बहादुर माएँ बहनें बेटियाँ जो यहाँ बैठी हैं, एक गांधी जी के तरीके से, एक नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात रखना चाहती है। यहाँ से बाहर ले जाने का या नागरिकता देने का कानून है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको मिसगाइड किया जा रहा है। ये ऐसा भी बिल्कुल सही नहीं है, मिसगाइड कोई नहीं हो रहा है। ये आजकल की जो ये जनता है, यहाँ जो बच्चे हैं, यहाँ जी और यहाँ की औरतें हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर। ये आप सब जानते हैं कि इसमें जो एक क्लॉज है वो एक क्लॉज जो है वो हमारे संविधान। बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइन हमको जो ट्रोल किया जा रहा है उसको लेकर इमरान खान क्या कहते हैं? क्या कर सकते हैं हम, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। बटन दबाओ, ट्रोल करो, ये एक जो प्रथा चली आ रही है लास्ट साल डेढ़ साल से, इसका कोई इलाज नहीं है। अपने आप वक्त के साथ साथ ये फेड हो जाएगा और उनको भी हक है, उनको भी डेमोक्रेसी उनको भी हक देती है कि उनको भी जो बात कहना है वो अपने ट्रोल में कहो। अब ये है कि ये चीज़ जो गलत तरीके से किसी को, मतलब जो हमारी माँ बहनों को या किसी को गाली दी जाती है या उनके खिलाफ गंदी बातें लिखी जाती है, जो भी लिखता है वो गलत बात है। मेरी अपील है, अरे वो बात ऐसी नहीं है कि यहाँ पे 19 दिन हो गए महिलाओं को बैठे हुए लेकिन कोई सरकार की तरफ से मिलने नहीं आया, तो इसमें आप क्या कह रहे हैं? यार वही तो है ना कि आवाज़ उठा रही है, 19 दिन हो गए हैं, हो सकता है कल कोई मिलने आ जाए। देखिए लगातार एक पानी की बूंद भी एक पत्थर पर टपकती रहेगी तो वो कभी ना कभी पत्थर को भी तोड़ देती है, तो ये आवाज़ जरूर सुनी जाएगी या आवाज़ जो है वो मतलब वेस्ट नहीं जाएगी। इतना तो मेरा जरूर जो NRC और CAA के समर्थन में यहाँ पे आ रहे हैं, अब्दुल्ला भाई से पत्र लिखे जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 144 का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या प्रशासन और सरकार इसका जो है दबाने का प्रयास कर रही है इस तरीके से? मैं ऐसे किसी को भी नहीं जानता जिसके खिलाफ ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं ये नहीं कह सकता। और मुझे अभी भी बिलीव है हमारी सरकार पे, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे, हमारी पुलिस पे, हमें यकीन है, तभी तो हम इस हिंदुस्तान में हैं और डेमोक्रेसी के साथ हैं। हमारी डेमोक्रेसी आज भी जिंदा है। और